हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कराची की सड़कों पर मौत बांटती देव हैकल बसें। एम मेजिना रोड पर पहले पहुंचने की रेस ने 4 साल मासूम कड़ी को मसल डाला। बाबा के साथ स्कूल जाने वाली नन्नी परी सकीना बस तले आकर हमेशा के लिए सबकी आंखों में आंसू छोड़ गई। फूल सी बिटिया को मनो मिट्टी दफना कर वालिद हुजैफा गम से निढाल। कराची में दिल दहला देने वाले हादसे के बाद पुलिस जाग उठी। कातिल बस के मफरूर ड्राइवर मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार कर लिया। बस मालिक भी जेरे हिरासत। मौत बांटने वाले ड्राइवर को सिर्फ 5 साल तक सजा हो सकती है। डीआईजी ट्रैफिक का इजहार बेबसी, कहा अगर लाइसेंस नहीं हुआ तो कोई जमानत भी नहीं करा पाएगा। कराची के हौलनाक हादसे के बाद शहरियों का एक्शन, रेस लगाती दोनों बसेस को मौके पर ही आग में झोंक दिया। हैवी ट्रैफिक और तेज रफ्तार गाड़ियों को पकड़ने में नाकाम पुलिस ने एहतजाज करने वाले 11 अफराद को धर दिया। कराची के इलाके माड़ीपुर में भी तेज रफ्तार टैंकर ने 12 साल अरबाब को रौंद डाला। वाकई के बाद इलाका मकीनों का एहतजाज, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल। फूलों के शहर पेशावर में बारूद की बू फैल गई। खुदकुश हमले में एडिशनल आईजी अशरफ नूर शहीद हो गए। मुहाफिजों समेत 6 अफराद जख्मी। शहीद एआईजी की आबाई इलाके स्कर्दू में सरकारी एजाज के साथ तदफीन। पेशावर धमाके के बाद शहर की फिजा सोगवार। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन, वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और आर्मी चीफ समेत दीगर की मजम्मत। शाहिद खाकान कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वजीर दाखला धरने का मामला मुजाकरात से हल करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अदालती अहकामात पर अमल कराने से रोका। फैजाबाद धरना केस के दौरान चीफ कमिश्नर का अदालत को जवाब। एहसन इकबाल ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद से कैसे रोका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट सूरत हाल पर बरहम। जस्टिस शौकत ने वजीर दाखला को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। डीजी आईबी और आईएसआई हुकाम से भी जवाब तलब। इस्लामाबाद पुलिस ने धरने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। धरने में डंडे और कुल्हाड़ियां ले जाने वाली 2 गाड़ियां पकड़ ली। 9 अफराद गिरफ्तार, गाड़ियों समेत थाने मुंतकिल। इंतजामिया ने फैजाबाद क्लियर कराने की भी ठान ली। मुजाहिरीन को आज रात तक धरना खत्म करने की डेडलाइन भी दे दी। तहरीक इंसाफ का हाफिजाबाद में पावर शो। नवाज शरीफ करप्शन के नजरिए का नाम करार। इमरान खान ने कहा कमजोर चोरी करे तो जेलों में, ताकतवर डाका मारे तो असेंबली में चला जाता है। इसहाक डार की हालत पर रहम आता है, अच्छे भले चलते फिरते कैसे बिस्तर पर लग गए। शाहिद खाकान में हिम्मत नहीं कि वजीर खजाना को हटाएं, क्योंकि वो नवाज शरीफ की चोरी के तमाम राज जानते हैं। इमरान खान को ताकत में आने के लिए शैतान से भी इत्तेहाद करना पड़ा तो वो करेंगे। वो झूठ बोलकर और गालियां देकर इख्तदार में आना चाहते हैं। 7 रफीक के कप्तान पर वार। वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने इमरान खान का मुवाजना खवातीन को हिरासा करने वाले हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वे से कर दिया।
लीगी रहनुमा आबिद शेर अली मुखालफीन पर बरस पड़े, कहा करप्शन की दास्तानें लिखने वाले नवाज शरीफ पर उंगली उठा रहे हैं। शेख रशीद बताएं वो अरबपति कैसे बने। शर्जील मेमन के बैट से अरबों रुपए निकले। आयान अली तो पूरी पार्टी के लिए पर्स में डॉलर लेकर बाहर जाती रहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन की पार्टी छोड़ने की खबरों की तर्दीद, कहा लीडरशिप पर पूरा यकीन है, इलाज के बाद पाकिस्तान वापस आकर सियासत करूंगा। सानिया मौलिक टाउन की रिपोर्ट पब्लिक होगी या नहीं, लाहौर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट पब्लिक करने के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपील पर फैसला महफूज कर लिया, केस का फैसला जल्द सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केस की समाअत, अदालत का इमरान खान को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म, इमरान खान पुलिस को बयान रिकॉर्ड कराएं, अदालत की हिदायत। एहतसाब अदालत में इसहाक डार के खिलाफ असासा जात रेफरेंस की समाअत, जामिन अहमद अली ने इसहाक डार को पेश करने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत मांग ली, जरे जमानत जब्त न करने की इस्तदा, समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। सिंध सरकार तालीमी इदारे बेहतर बनाने के बजाय ट्रस्टों के हवाले करके जान छुड़ाने लगी, आयशा भवानी कॉलेज के बाद इस्लामी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज भी ट्रस्ट के हवाले करने का हुक्म, फैसले के खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज। फाटा तलबा के वफ का आईएसपीआर का दौरा, मेजर जनरल आसिफ गफूर से मुलाकात, कबाइल के जरूरतमंद नौजवानों की हिमायत काबिले कदर है, डीजी आईएसपीआर की तलबा से गुफ्तगू। पाकिस्तान की पहली शहीद खातून फाइटर पायलट मरियम मुख्तार का दूसरा यौम शहादत, मरियम मुख्तार ने अपनी जान देकर तैयारा आबादी पर गिरने से बचाया था, शहीद बेटी को पूरी कौम का सलाम।